सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन GRTR, गेट रेडी टू राइड। भाई आज हम करने वाले हैं, ये देखो R15 V4, अपनी जो ब्लू बीस्ट है, और नितिन भाई की MT15, जिनको भाई वो H2 बोलते हैं। ठीक है भाई, दोनों में होने वाला डिटेल्ड कंपैरिजन। V4 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और MT15 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और MT15 का ऑन रोड प्राइस क्या है दिल्ली में भी, और V4 का ऑन रोड प्राइस क्या है दिल्ली में, सब सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिलने वाली। तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MT15 की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ भी सेम आपको फ्रंट में USD सस्पेंड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के पॉइंट्स बराबर मिलते हैं। और भाई लुक्स की बात करें नेकेड में, भाई फर्स्ट नंबर पर लुक्स आते हैं इसके। और वहीं 150cc की सेगमेंट में बात करें तो V4 के भी भाई फेड बाइक में एक नंबर लुक है। ठीक है, तो दोनों अपने ही सेगमेंट में भाई, मतलब सेगमेंट सेम है, बट लुक नेकेड वर्सेस फेड कातिलाना लुक है भाई दोनों बाइक्स के। और यहीं बात करें फ्रंट प्रोजेक्टर की, तो सेम प्रोजेक्टर आपको इसमें मिलता है और सेम प्रोजेक्टर आपको इसमें मिलता है। और LED की बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हालांकि मैंने आफ्टर मार्केट यहाँ पे LED इंडिकेटर्स लगवा रखे हैं। और LED की फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे ये आपको दो छोटी छोटी फ्रंट में LED मिल जाती है, यहाँ पे आइज टाइप आपको LED फ्रंट में मिलती हैं। यही साथ साथ बात करके बिल्ड क्वालिटी भाई मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो इस बाइक की भाई जीरो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी मानता हूँ मैं। मेरे दो बार एक्सीडेंट हुआ था भाई, एक बार 20 से 30 की स्पीड में, और सेम उसमें भी हुआ था, बट इसमें कुछ भी नहीं बचा था फ्रेंड्स, आगे का पूरा चला गया था, साइड का भी फेयरिंग वगैरह सब खुल गया था। और यहीं नितिन भाई से बात करें, एक बार पूछ लेते हैं कि MT15 का उनके बारे में क्या रिव्यू है। नितिन भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बताओगे? भाई बिल्ड क्वालिटी तो तुझे पता ही है, तूने ठोकी थी बाइक मेरे अंदर 200 तो दिखा देता हूँ आपको। इसने मेरी पीछे से ठोकी थी, बहुत पहला एक्सीडेंट था मेरा, तो सिर्फ ये थोड़ा बहुत यही हुआ था इसके अंदर, ये हो गया था। इंडिकेटर भी टूट गया था? नहीं, इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर नहीं टूटा था, सिर्फ ना गिरने की वजह से जो इस पैर पे गिरा था, क्योंकि सपोर्ट नहीं इधर, तो ये बैंड हो गया था मेरा। अच्छा, ये टूट गया था, तो मतलब बिल्ड, हाँ बैंड हो गया था, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी भी खास अच्छी नहीं है ना। हाँ, तो मतलब इसकी तो बहुत बुरी है, मतलब इसकी ठीक है, एवरेज है, बट इसकी मान लो। और साथ ही साथ इसमें आपको TCS कंट्रोल देखने को मिल जाता है। TCS कंट्रोल ये देख सकते हो, ये लिखा TCS कंट्रोल। और इसकी बात करते हो आपको वर्जन 2 है, TCS कंट्रोल आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो भाई आपको TCS कंट्रोल इसमें देखने को नहीं मिलता है, वर्जन 3 है, आई है अपग्रेडेड मॉडल है वर्जन 2 का, ठीक है, उसमें TCS कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। भाई आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलते हैं, और वर्जन 2 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलते, सिंगल चैनल ABS के साथ आपकी MT15 मार्केट में आती है, जो कि फ्रंट में सिंगल चैनल ABS, इसमें फ्रंट और रियर दोनों में डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक 10 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है, और वहीं आपको R15 में 11 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। तो वहीं अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो वहां पर आपको R15 में 1 लीटर ज़्यादा डालने को कैपेसिटी मिल जाती है। ठीक है, इसमें भी आपको R15 ऊपर मिलेगी। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ R15 की सीट कम्फर्ट की, तो सीट कम्फर्ट इसमें पिलियन में आपको भाई बिल्कुल ही बेकार देखने को मिलता है, मतलब मान लो आपकी बैक पूरी की पूरी दर्द हो जाएगी इसमें, ठीक है, R15 में। और वहीं इसकी राइडर की बात करें तो राइडर में ठीक है, ठीक ठाक है, एवरेज है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट MT15 की बात करें तो राइडर के लिए कम्फर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ये देखोगे ना भाई सीट की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा कम है, तो भाई पिलियन को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। और लगेज वगैरह भी इसमें आप इसमें नहीं रख सकते, बट अगर आप इसमें सिंगल चल रहे हो तो लगेज इसमें आप बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं इसकी बात करें तो भाई सर्विस कॉस्टिंग की बात करें तो सर्विस कॉस्ट आपको इसमें MT15 में देखने को मिल जाती है, MT15 की भाई मिल जाती है 1200 के अराउंड, 1200 से 1500 अराउंड, वहीं आपकी इसकी सर्विस भी 1200 से 1500 अराउंड पड़ जाती है। तो भाई सर्विस की बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है नहीं है, बट जब आपको डिस्क पैड चले जाएंगे, ठीक है, डिस्क पैड चले जाएंगे या फिर और कुछ काम आएगा तो उसकी ज़्यादा वो लगती है, ठीक है। तो इसमें डिस्क पैड की बात करूँ पिछले हैं 1200 रुपये के, और फ्रंट है 600 रुपये के, तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं भाई टायर्स की, तो MT15 में आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो 100x80x17 का, ठीक है, और फ्रंट टायर इसमें भी आपको 100x80x17 का देखने को मिल जाता है। और बैक टायर इसमें देखने को मिलता है 140x70 का, और इसमें भी आपको
140 बाय 70 का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि दोनों बाइक्स के रियर टायर जो है रेडियल टायर है और फ्रंट टायर नॉन रेडियल टायर है। ठीक है, ये भी आपको एक चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है। वहीं इसकी इनिशियल की बात करें तो भाई इनिशियल में किंग ये है, बट टॉप एंड आपको इसका अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, इनिशियल इसका अच्छा है और टॉप एंड आपको R15 का देखने को मिलेगा अच्छा। वहीं स्पॉकेट की बात करें तो इसमें आपको छोटा स्पॉकेट मिलता है और MT15 में आपको बड़ा स्पॉकेट देखने को मिलता है, जिससे कि MT15 की इनिशियल पावर ज़्यादा हो जाती है। R15 में जो मेरी ब्लू बीस्ट है इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, वहीं आपको इसमें क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। बट इसकी प्राइस किंग की बात करें तो ये आपको दिल्ली में पड़ रही है, काला चीता पड़ रही है आपको दिल्ली में पड़ रही है 190-195 की। वहीं इसका अपग्रेडेड मॉडल आप लेते हो तो आपको 2-3 के आसपास पड़ेगी। ठीक है, ये जब मैंने ली थी तो 220 की थी, बट अब आपको 222 या 225 की दिल्ली में मिल जाएगी। तो भाई ऐसा था कुछ R15 और MT15 का डिटेल्ड कंपैरिजन। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताओ और कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं कोई अगली सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।